श्री शिव गीता दशम अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में यह कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है, और फिर देह में किस प्रकार आता है या नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूं, मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद, परमात्मा, परम ज्योति, माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला, संसार का कारण, नित्य विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्व अंतर्यामी, निःसंग, क्रिया रहित, सब धर्मों से परे, मन से भी परे हूं। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती, मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूं, मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं, बाल्य यौवना आदि परिणाम आदि विकार भी मुझमें नहीं है। जहां मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझमें देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। जिसको संपूर्ण भूत प्राणी आत्मा रूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदर्शी, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, साधना करने वाले पुरुषों को अग्र बुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है। अनादि माया से युक्त निर्विकार, अविनाशी, एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगत का कर्ता परमेश्वर हूं। जिस प्रकार अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझमें यह सब जगत उत्पन्न हो, दिखता, स्थिति पाता और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूं। पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चारों पंच प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादिकाल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगम आदि देहों में वास कर शुभ अशुभ कर्म का फल भोगता है, उसी को परलोक गति होती तथा वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं का भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। अंतःकरण और जीव, इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंतःकरण में है, जीव में नहीं। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से, वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, इसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख होने से वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार के मरुप्रदेश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है वो जल रूप नहीं है, वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वह मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है।
और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है, सो तुम सावधान होकर सुनो। वही यह जीव मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित है। नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है। उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को देह आकाश कहते हैं, इसमें जीव रहता है। केश के अग्रभाग का सौवां भाग कर फिर उसका भी सौवां भाग करके जो प्रमाण किया जाए वही सूक्ष्मता जीव की जाननी चाहिए। वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। जिस प्रकार कदंब के फूल के चारों ओर केशर होती है, उसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, जो शरीर भर में व्याप्त है। वे हित और बल को देती हैं, इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72,000 कही है। जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है, इसी प्रकार से वे नाड़ी हृदय से निकली है। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी हैं, उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही सुख दुख, जागृत स्वप्न आदि के साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, इसी प्रकार नाड़ी सुख दुख रूप कर्म को बहाती है। इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहाती हुई ब्रह्म रंध्र तक पहुंच गई है। जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नाम नाड़ी है, उसमें प्राप्त होकर यह जीव मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार वह अंतःकरण काम आदि दोष शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है। परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाकाश भी ले जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक जीवात्मा भी लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यद्यपि यह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जागृत अवस्था में घट आदि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है। जिस प्रकार से सूर्य दसों दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन उन कर्मों के अनुसार जागृत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्त होता है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटाकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। जब जागृत अवस्था में भोग देने वाले कर्मों का क्षय होकर स्वप्न काल में भोग देने वाले कर्म जागृत समय के देह गेह आदि के विषय साक्षात करने वाले ज्ञान को छिपाकर जब जागृत होते हैं, तब यह जीव क्रीड़ा करो इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से पूर्व अनुभव किया हुआ स्वप्न समय के विषय का जागृत होने पर यह मायावी अविद्या उपाधि जीव माया की निद्रा से योग से जागृत अवस्था में भी स्वप्न से भिन्न स्वरूप अवस्था की ओर देखता है।
घटपट आदि विषय, बुद्धि आदि इंद्रिय और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ के समान सब सृष्टि अंतःकरण ने कल्पना करी है। जिस प्रकार अकेला मनुष्य स्वप्न में अनेक मनुष्य देखता, भोग भोगता और संसार की सब रचना भिन्न भिन्न जानता है, यथार्थ में एक ही है, इसी प्रकार वास्तविक आत्मा है, परंतु अंतःकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है। इन सबको देखने वाला स्वयं ज्योति आत्मा साक्षी रूप से सब में वर्तमान है। इस अवस्था में अंतःकरण आदि सर्व पदार्थों की वासना भावना से की हुई असत्य होने से वह वासना रूपी ही है और परमात्मा उसी स्थान में वासना मात्र से साक्षी है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है, इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है, परंतु जागृत अवस्था में प्रपंच का व्यवहार समर्थ होता है और स्वप्न अवस्था में कल्पित है, यही इसमें भेद है। संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का साक्षी आत्मा स्वयं ही प्रकाश करता है। उस साक्षी का जो वासना मात्र साक्षीपना है उसे स्वप्न कहते हैं। बाल्य अवस्था में जागृत जो कर्म स्तनपान कंदु क्रीड़ा आदि किए हैं उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है, इस कारण वे ही स्वप्न दिखते हैं। और तरुण अवस्था में इंद्रिय अपने व्यापार में कुशल हो जाती है। यह प्राणी अनेक व्यापार में व्यग्र हो जाता है। अध्ययन, कृषि, व्यापार आदि की वासना हृदय में अत्यंत दृढ़ हो जाती है, इस कारण तद्रूप ही स्वप्न देखता है। और जो वृद्धावस्था में परलोक जाने के निमित्त दान, धर्म, विद्या आदि दान ऐसे उत्तम कर्म करते हैं, उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है, तो प्रायः यह भी इसी प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं कि हमने दान किया, इस प्रकार लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से शयन पक्षी आकाश में भ्रमण करते करते जब थक जाता है, तब विश्राम का कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को सिकोड़कर अपने घोंसले में विश्राम लेता है, इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विचरने से जब आत्मा श्रांत होता है, तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधनाओं को लय कर देता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को समाप्त कर निद्रित हो जाता है। नाड़ियों के मार्ग से इंद्रिय की वासना को आकर्षण कर जागृत और स्वप्न अवस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मा लीन हो जाता है। जिस समय यह आत्मा से आच्छादित चैतन्य अव्याकृत स्वरूप में लय होता है, उस समय संपूर्ण प्रपंच लय हो जाता है, परंतु यह लय आत्यंतिक नहीं है, इसमें केवल कार्य रूप का नाश होता है, कारण रूप वासना बनी रहती है। जिस पुरुष की किसी स्त्री को अत्यंत इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए, उसके संभोग से जो सुख हो जाता है उसकी सीमा है, परंतु उससे कहीं अधिक सुख निद्रा अवस्था में जीव को आनंदमय कोश में प्राप्त होने से होता है। जब जीव को बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता, वह अंतर अर्थात मोक्ष की अवस्था के समान जिसमें विषय वासना अत्यंत निवृत्त होती है, निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता। निद्रावस्था में जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है, तब जागृत आदि अवस्था में जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है वैसा ही भिन्न रहता है, तब भी भेद नहीं जाता। ऐसा होने से ही वह उस समय दुख रहित होता है, क्योंकि कारण आत्मा में उसका साम्य माना जाता है, एकत्व पाता है, इसका कारण औपचारिक है। जो भी उस अवस्था में अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति आने से जैसे सुख अनुभव करता है, उस सुख को जैसे मैं सुख से सोया और दूसरा कुछ भी न जाना, केवल अज्ञान का ही अनुभव किया, परंतु यह अज्ञान भी साक्षी आदि की वृत्ति से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया। यदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की स्मृति किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि गाढ़ निद्रा में सोते समय तो
उसे सुख का अनुभव होता नहीं, उसके पश्चात जागृत होकर साक्षी के द्वारा जानता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन अवस्था जैसे इस लोक की है वैसे ही देवलोक की है। सुषुप्ति के अंत में जब जागृत अवस्था आती है तो अपने कारण रूप जीव के प्रारब्ध के कर्म से फिर इंद्रिय इस प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां उठने लगती हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में लीन हुई इंद्रियां उठती हैं। जिस प्रकार जल से भरा हुआ घड़ा जल में डुबा दो और यदि उसे फिर निकालो तो वह उस जल से भरा ही आता है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा इंद्रिय आदि सहित कारण में लय को प्राप्त हो उन इंद्रियों सहित ही जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। विज्ञान आत्मा अर्थात जीव, कारण आत्मा अर्थात ईश्वर, यह दोनों वास्तव में एक ही रूप हैं, परंतु अविद्या के प्रपंच से उनमें भेद प्रतीत होता है। जब यह अविद्या नष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता, उस समय दोनों एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक ही सूर्य जल आदि पदार्थों से प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्य आदि में ही चंचलता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कूटस्थ एक जीवात्मा ईश्वर एक ही है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रविष्ट होकर अनेक रूप और गमन आगमन आदि रूप से दिखता है। आत्मा देह आदि उपाधि से रहित स्वप्रकाश है, परंतु स्वरूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है, इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से विदित होता है, कारण कि यह माया तो न होने वाली बात को भी करके दिखा देती है। माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे, परंतु माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निर्विकार हो जाता है। हे दशरथ कुमार, यह तुमसे जीव का स्वरूप वर्णन किया।